तो देखिए इसमें एक चीज और है कि कौन सा एजेंडा वोटर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। मैंने शुरू में ही बोला कि मेट्रो सिटी का जो वोटर होता है या आदमी होता है या जो रहने वाला है होता है, उसके ऊपर कई तरीके के प्रेशर्स होते हैं। वो इंस्टेंट रिलीफ वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है रेदर देन कि लॉन्ग टर्म कोई चीज़ हो या केवल प्योर इमोशनल कोई चीज़ हो। तो देखिए अगर देश का इलेक्शन है तो अलग होता है, वहां पे एक ही आदमी का एक वोटर नेशनल इलेक्शन में भी वोट करता है, स्टेट लेवल पे भी करता है और एनसीडी वगैरह का होता है। तीनों टाइम उसके प्रेफरेंस अलग हो सकते हैं। देखिए अगर एक छोटे एरिया का ग्राम प्रधान का या एनसीडी का हो तो एक वोटर न चाहते हुए भी अगर कैंडिडेट से उसकी चूंकि घर के अगल बगल रहते हैं एक ही मोहल्ले में अगर उनका लगाव है तो न चाहते हुए भी वो उसको देते हैं। ये सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। मुझे ये लगता है कि मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिक्स को अभी भी बीजेपी समझ नहीं पाई है। पॉलिटिक्स कई होता है, आप देखिए नेशनल लेवल का, रूरल पॉलिटिक्स कुछ और होता है, आप देखिए टाउन के पॉलिटिक्स। नहीं देखिए कांग्रेस का क्या है मैं आपको बताऊं, कांग्रेस का मुझे ये लगता है कि ये कुछ इस हालांकि पूरे विपक्ष का एक यूनिक टारगेट है। यूनिक टारगेट ये है कि हर स्टेट में कैसे भी करके आप जो है बीजेपी बीजेपी को को रोकिए, रोका पहला चीज। जाए। तो कांग्रेस ने ठीक है, अगर कांग्रेस का ये एक हिडन जो है टारगेट, साइलेंट टारगेट समझा जाए, लेटेंट टारगेट जिसको मैं बोलता हूँ समझा जाए, तो कांग्रेस वो टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल रही है। कांग्रेस ये जानती थी कि हम नहीं आ पाएंगे जो है, तो इससे बेटर है कि अपने वोट को ट्रांसफर किया जाए। पिछली बार भी इन्होंने बोला था, आप देखिए कि बिना किसी शर्त के समर्थन देने के लिए बोला था, कर्नाटक में इन्होंने बिना किसी शर्त के समर्थन जो है ये दे दिया। ये सब दिखाता है कि विपक्ष की कोई भी पार्टी है वो अब ये चाहती है कि उनके वोटों का, ये इस चीज को समझ गई है। देखिए जितनी पार्टियां डिवाइड होंगी ना उतना ही ज्यादा बीजेपी के लिए फायदा होता है। तो ये सारे विपक्ष को समझ में आ गया है। बहुत सारे स्टेट इलेक्शन में भी देखिए विपक्ष ने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि यूनाइटेड वे में कुछ ऐसी रणनीति बनाई है कि ताकि वोटों का ध्रुवीकरण उनके फेवर में हो, उनके वोट बटे नहीं। बीजेपी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक मजबूती ये थी कि वोटों को बांट देना। आप अगर वोट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, इस चीज को समझिए, अगर आप वोटों को पोलराइज नहीं कर पाते हो, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तो आप अपने राइवल के वोटों को पीसेस में बांट दीजिए, वो कमजोर हो जाएगा। जब कोई चीज टुकड़ों में बढ़ जाता है तो ये एक नेचुरल फेनोमेनन होता है। अगर आपने इसको अपना लिया तो भले ही आपका परसेंटेज वोट वगैरह बढ़े या ना बढ़े लेकिन आपकी जीत हो जाती है। यहाँ पे ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इट्स नॉट कंफर्म, लेकिन मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं आप और कांग्रेस में समझौता हुआ होगा कि ये रणनीति हमें अपनानी है। पर्दे के देखिए अभी 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 ये है ना, देखिए क्या है कि कई बार ये पलटेगा, ये जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आगे पीछे ये चलता रहेगा। लगभग 2-3 बजे 4 बजे तक जो भी रिजल्ट्स आएंगे ना, वो तरविंदर सिंह मारवा आगे चल रहे हैं कांग्रेस के। हाँ देखिए अगर यहाँ पे एक चीज ये देखना है, कांग्रेस जहाँ कोई आगे नहीं चल रहा है अगर तरविंदर सिंह चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनकी अपनी इंडिविजुअल मेहनत और इमेज है। पॉइंट टू भी नोटेड यहाँ पे कि इलेक्शंस जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दो तरीके से जीतते हैं, एक तो पार्टी की इमेज के कारण, जैसे 2014 में बीजेपी से कोई भी खड़ा हुआ हो अगर वो एकदम नया था जिसने कभी पॉलिटिक्स नहीं की थी, बादली से तो आपके अजेश यादव आगे हैं। हाँ तो ये वो तमाम नाम आपके, नहीं देखिए ये यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पर क्या है, जैसे आप देखिए भाजपा के अजय माहौर जी आगे हैं, ये आगे पीछे 100, 50, 200, 1000 सीटों का भी अभी यहाँ पे हमें डाटा ऐसा जो बहुत डिसाइसिव, मतलब मान लीजिए कोई 25,000 वोटों से आगे है, 50,000 वोटों से आगे है तो हमेशा बढ़त बनाएगा। ये बार बार जो आगे पीछे कभी पीछे है तो आगे हो जा रहे हैं, तो ये बताता है कि वहां बड़ा नेक टू नेक और बड़ा क्लोज कॉम्पिटिशन है। क्लोज कॉम्पिटिशन होने का मतलब 1,000 वोट, 500 वोट, 100 वोट से आगे पीछे है, आगे पीछे है, वो होता रहेगा। तो ऐसे सीटों की जो प्रिडिक्शन है वो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, यानी इलेक्शन कमीशन जब तक फाइनली डिक्लेयर ना कर दे कि कौन जीता, तब तक ऐसे सीटों के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यही होता है कि लास्ट मोमेंट तक वेट किया जाए। और ये चीज बताता ये है कि अगर पहली बार पिछले बार अगर वहां पे वो जीते थे और अब की बार बहुत क्लोज कॉम्पिटिशन से आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनके राइवल ने बहुत जबरदस्त वहां पे अपनी पैठ बनाई है, मेहनत की है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आगे हैं, वो सर्वविदित है कि वहां पे जीतेगा कौन। नहीं वहां पर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बहुत सोचा समझा गया, कोई वहां से अपने कैंडिडेट किस कैंडिडेट को उतारे इसके लिए बहुत माथापच्ची हुई है सारी पार्टी में। मैं आपको बताऊं, जहां पे इतने कद्दावर नेता किसी भी पार्टी का अगर लड़ रहा है ना, तो वहां पे वो देखिए वो सर्वविदित और पहले से भी ये रणनीति होती है। आप ये देखिए, आपने कोई ऐसी सीट नहीं देखी होगी
जहां दो पार्टियों के हेड एक साथ लड़े हो, जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी क्या एक साथ एक जगह से चुनाव लड़ेंगे, या सारी पार्टियों के नेता, जैसे मान लीजिए कि सोनिया गांधी जी हो गई और कोई दूसरी पार्टी का नेता, ये नहीं होता है, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। अगर पार्टी का जो सबसे टॉप लीडर है वो जहां से लड़ रहा है तो जानबूझ करके, या आप ये समझिए सम्मान के लिए, वहां पे कोई, आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन वगैरह में पार्टियों ने बोला है कि भाई इतनी सीटें हमने उनके सम्मान में छोड़ दिया है। मायावती जी के लिए कितनी सीटें अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने सम्मान में छोड़ दिया था कि वहां पे हम इनको चुनौती नहीं देंगे। तो ये केजरीवाल जी अगर लड़े थे तो ये बट नेचुरल था कि वहां पे कोई बीजेपी का बहुत कद्दावर नेता नहीं जाएगा, हमेशा कमजोर ही जो कैंडिडेट होता है दूसरी पार्टी का वही जाता है। तो ये इस चीज को भी समझना होगा। तो केजरीवाल की जीत उनकी अपनी सीट से निश्चित है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, कैरियर या एंकर, पूरे चुनाव का एंकर या कैरियर, यानी जिसके कंधों पे भार होता है, मैं अब चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्ट्रेटजिक पॉइंट या वैल्यू एडिटिव डायनामिक्स की बात कर रहा हूं। क्लियर ये होता है कि आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि केजरीवाल का जो इंडिविजुअल पॉलिटिकल व्यक्तित्व है वो कैरियर या एंकर की तरह यहां पे काम कर रहा है। और बीजेपी के लिए जो भी इनकी बढ़त हुई है उनके लिए कैरियर या एंकर क्या है, जिसके ऊपर पूरी पार्टी सवार होकर के जो भी सफलता पा रही है, वो एकीकृत जो इनका बीजेपी का अपना इमेज है वो चीज यहाँ पे लेकिन जेपी चल रहे, तो आगे पीछे का खेल अभी जारी है। भाजपा ने तो अपने सारे चेहरा चेहरा उनका भी था, कैसे नहीं था, अमित शाह चेहरा था। नहीं, बात मैं पॉलिटिकल पोजीशनिंग की कर रहा हूँ। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को भी समझिए, जैसे अभी बात चल रही थी कि भाई डॉक्टर हर्षवर्धन को आगे कर देते अगर चेहरा बना करके। देखिए, अपार्ट फ्रॉम एंटी इनकम्बेंसी, और मतलब एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं रहा दिल्ली के चुनाव में। उस चीज को मैं मानता हूं कि जीत या हार एक सीट से भी होती है तो रिजल्ट तो वही होता है भाई। आप एक सीट से हार गए तो आप सरकार नहीं बना पाएंगे। एमपी वगैरह के इलेक्शन को लीजिए, जहां दो चार सीटों का वो था। आप कर्नाटक में लीजिए, चार पांच सीटों से वो था। उसी जगह आप देखिए गुजरात का जब इलेक्शन हुआ था, पांच छह सीटों से बीजेपी आगे निकल गई, सरकार उनकी बन गई। तो इस चीज को एक दरकिनार कर दीजिए। मैं इस चीज को मानता हूं कि एक सीट से भी जीत और हार का रिजल्ट वही होता है जो आप 100 सीटों से जीतेंगे ओवरऑल, अगर ये देखा जाए। फर्क यहां पे देखिए, हम लोग बड़ा एक बहुत अच्छी चीज बात कर रहे थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दिल्ली, मैंने आपको बोला पॉलिटिक्स को अगर जियोग्राफिकली अगर बांटा जाए और कल्चर के बेसिस पे तो कई कैटेगरीज होती हैं। कॉस्मोपॉलिटिकल या मेट्रोपॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होती है वो एकदम अलग होती है। यहाँ पे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स का जो डायनामिक्स है वो कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स या आप मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिक्स बोलिए, जहां पे बीजेपी समझ नहीं पाई। अब इसी चीज को समझिए, देखिए बीजेपी को अगर करना था पोजिशनिंग तो वो क्या कर सकती थी, लोकल वोटर जो दिल्ली के हैं। देखिए, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि बीजेपी अगर चुनाव नहीं जीत पा रही है या बहुत अच्छा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ रही है, तो मैं बोल रहा था कि अगर जियोग्राफिकल बेसिस पे आप पॉलिटिक्स और उसको डिवाइड करिए तो एक कॉस्मोपॉलिटिकल या मेट्रोपॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स होती है जो मेट्रो शहर में जैसे दिल्ली में है। अब बात हो रही थी कि हर्षवर्धन जी को क्यों नहीं उतारा। देखिए, अब जो वोटर पूल है कॉस्मोपॉलिटिकल सिटी का या मेट्रोपॉलिटिकल सिटी का, एक तो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, कुछ बाहर से आके जो रहते हैं, कुछ लोग आए जो जॉब करके यहाँ पे बस गए। यानी अगर आप वोटर पूल का सेगमेंटेशन करेंगे बिहेवियर वाइज और उनके नेचर वाइज, तो दो तरीके के यहाँ पे वोटर थे। एक जो दिल्ली के लोकल थे। दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी के लिए ये हो रही थी कि अगर हम मनोज तिवारी को, दिल्ली के लिए जो चैलेंज है मनोज तिवारी जी को आगे करते हैं तो यहाँ लोकल वोटर नाराज होता है। किसी लोकल आदमी को अगर आगे कर दे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, तो जो बिहारी पूल है, वो बिहार या यूपी के बाहर के आए हुए लोग हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हमें दरकिनार कर दिया गया है। या इसी चीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने किसी को आगे नहीं किया। अब इसको इनको manage... लेकिन इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी ने मैनेज किया, जबकि केजरीवाल ने जो बयान दिया था बिहार के लोगों को लेकर, उसके बावजूद बहुत तरीके से उस बयान को डैमेज कंट्रोल किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया उन तमाम लोगों को। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे है क्या, बीजेपी इसको कैसे मैनेज, बीजेपी को दो लोगों को मैनेज करना था, दोनों एकदम अलग अलग है। यानी जो प्रवासी लोग आए हुए हैं उनका कल्चर अलग होता है और दिल्ली के लोकल। तो बीजेपी अगर इसको बाइफर्केट करके करती, जैसे देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी को प्रचार में भी बहुत आगे नहीं जो है किया गया। अगर जिम्मेदारी को दो पार्ट में बांटा जाता, बाइफर्केशन या डिवाइडेशन जो है एज पर द नीड, अगर ये लोग करते कि लोकल वोटरों को रिझाने का काम, कन्विंस करने का काम लोकल नेताओं के साथ करते, और उसके बाद जो प्रवासी वोटर हैं उसके लिए मनोज तिवारी जी का। यहां पे एक चीज ये हुई
कि जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर थे बीजेपी की तरफ से, केजरीवाल जी तो लोकल है, जितने लोग इन्फ्लुएंसर थे बीजेपी की तरफ से, बड़े बड़े जितने भी थे वो दिल्ली के ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले नहीं थे। एक चूक मैं ये जरूर मानूंगा कि दिल्ली का कोई ओरिजिनल रहने वाला अगर कैंपेन में पार्टिसिपेट करता और यहाँ के लोकल लोगों को जो है रिझाने की कोशिश, अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करता तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी फेल्ड और फेलिंग टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड डायनामिक्स, स्ट्रेटजिक डायनामिक्स ऑफ कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जो है पॉलिटिक्स जो दिल्ली मेट्रो शहर में हो रहा है। हाँ, अमनप्रीत जी, बहुत सारे फायर ब्रांड नेता, बड़े बड़े नेता जिन्होंने विवादित बयान दिया, खूब सुर्खियां बटोरी उनके बयान ने, लेकिन क्या जनता उन्हें नकार रही है? बिल्कुल, जनता ने जो आज का रिजल्ट है इसको अगर देखें तो जनता ने जो अपना वोटिंग के जरिए अपना जो उनके दिल की बात थी, उनके दिल्ली के दिल वालों में जो बसा था, जो उनको चीज़ें इफेक्ट करी, जो चीज़ें उनको इफेक्ट नहीं करी, ये उन्होंने अपनी वोटिंग के जरिए दिखा दिया। और आज जो भी रुझान जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, उसको देख के भलीभांति पता चल जाता है कि जो भी, चाहे वो परवेज हो, चाहे वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हों, उन दोनों ने जो भी बयानबाजियाँ करी कि गोली मारो गद्दारों को, देश के दारों को गोली मारो सालों को, तो ये चीजें दरकिनार कर दी हैं। जो शाहीनबाग का मुद्दा बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से उठा रही थी, उन्होंने सोचा था कि ये इलेक्शन में उनको फायदा देगी, वो चीजें भी उनके शायद लगता है कि आज अगेंस्ट ही जा रही हैं। तो ये चीजें हैं कि पर इससे एक चीज हमें समझ लेना चाहिए कि जो हमारे दिल्ली के नागरिक हैं, जो हमारे दिल्ली के वोटर हैं, वो भलीभांत समझते हैं कि उनकी जरूरतें किसने पूरी करी हैं। उनकी जो बुनियादी जरूरतें थी, चाहे वो बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ लेके थी, चाहे वो पोल्यूशन को लेके थी, चाहे वो प्रदूषण को लेके थी, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना, हर चीज में जो भी एफर्ट्स थी वो केजरीवाल सरकार ने डाली है, उनका रिजल्ट दिखाया है और केजरीवाल ने अपने आप को टेस्टेड एंड ट्रस्टेड साबित किया है। तो आज जो ये रुझान जिस तरफ जा रहे हैं, आपकी बढ़ते हुए कदम जीत की तरफ जो जा रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा लेकिन, है। लेकिन अमनप्रीत जी, यहाँ पर मेहनत बहुत की केजरीवाल सरकार ने, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन मनीष सिसोदिया जैसे जो नेता है पटपटगंज से वो जीतते आए हैं और उनका अच्छा खासा वहां पर माना जाता है प्रभुत्व, उसके बावजूद वो पीछे चल रहे हैं और भाजपा वहां से आगे चल रही है। जी, ये तो अभी ऐसा है कि पूरा दिन चूहे बिल्ली के गेम जैसे होती है, कभी चूहा आगे कभी बिल्ली आगे, यही चलता रहेगा। जो रुझान यही बताते रहेंगे जब तक एकदम से फाइनल जो हमारी गिनती है वो हो नहीं जाती, जो फाइनल रिजल्ट वो आ नहीं जाते। तो यही है, सुबह से हम लोग देख ही रहे हैं, पहले भाजपा आगे थी, फिर आप आगे हो गई, आगे पीछे की ये कहानी तो चलती ही रहेगी। पर मनीष सिसोदिया ने जो एजुकेशन को लेके, जो अपने यूथ को लेके, जो अपने बच्चे हमारे, हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य है, जो उनको लेके उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा अच्छा बना दिया है, तो ये उनकी जो एफर्ट्स हैं बेकार नहीं जाएंगी, वो जरूर अपनी सीट से जीतेंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे तमाम दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में फिर से वही बात आ रही है, सीएम केजरीवाल का नाम आ रहा है, वेरी गुड सीएम केजरीवाल कह रहे हैं लोग। और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कहां से कौन आगे, कहां से कौन पीछे, अमानतुल्ला खान ओखला से पीछे चल रहे हैं, ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे एक चीज अभी ये आ रहा है कि जो कुछ टायर वन या टायर टू के जो दिग्गज नेता थे वो लोग भी आगे पीछे चल रहे हैं। जो मैंने आपको बोला कि अगर केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीत जाती है, भले ही एक सीट या एक वोट से जीते, लेकिन नेट लॉस की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो बात मैं ये कर रहा हूँ, देखिए अगर इतने नेता पीछे चल रहे हैं, या पिछली बार जो इनका मार्जिन था, जो गैप इन्होंने बनाया था, वो बहुत कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो ओवरऑल श्रिंकेज किसके अंदर आ रहा है? आम आदमी पार्टी के अंदर आ रहा है। ये बात दूसरी है कि एक सीट, एक टिकट और एक सीट भी एक्स्ट्रा आपकी आ गई तो आ गई, यानी श्रिंकेज आपके परफॉर्मेंस में श्रिंकेज तो आ ही रहा है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ठीक है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन जीत करके भी हार गई एज ए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक ढलान की तरफ बढ़ रहे हो। आप सरकार भले ही बना लीजिए, लेकिन आप एक लगातार ढलान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आया है, गगन राज ने किया है कि ये स्कूल का असर है, यानी लोग जो है, जो एफर्ट्स लगाए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, स्कूल, पानी, बिजली, उसमें से स्कूल की तो खुलकर तारीफ कर रहे हैं लोग, और उन्होंने लिखा ये स्कूल का असर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में ही बोला था
कि मेट्रोपॉलिटन जो वोटर होता है, कॉस्मोपॉलिटन, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उसकी जरूरतें एक गांव में रहने वाले वोटर से कुछ और होती है। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हर आदमी के ऊपर मंथली प्रेशर होता है कि भाई उनको फाइनेंस अरेंज करना है, किराया देना है, बच्चे की फीस देनी है। तो अरविंद ये फैक्टर कैसे काम कर रहा है जब आपका इंडिविजुअल हित सामने आता है? ये तस्वीरें आप देखिए ना, यहाँ पर ये तस्वीरें जो हैं वो कहानी कह रही हैं आपकी। और जहाँ पर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप भूल ही नहीं सकते मनीष सिसोदिया के योगदान को। उन्होंने अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से निभाई है। नहीं देखिए, ये मैं उसी डायनामिक्स की एनालिसिस कर रहा हूँ कि लोगों के ऊपर जो फाइनेंशियल प्रेशर होता है उसमें रिलैक्सेशन मिला है। आपके स्कूल अच्छे हो गए, आपकी फीस कम लगती है, आपको हॉस्पिटल वगैरह, बस वगैरह का जो फ्री है। तो आदमियों ने, चूंकि फाइनेंशियल प्रेशर और डे टू डे प्रेशर जो होता है मेट्रोपॉलिटन वोटर के अंदर, मंथली जो प्रेशर होता है उसमें रिलैक्सेशन मिला, तो ये फैक्टर जो है बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करता है। और इसी के कारण शायद आम आदमी पार्टी जो अब की बार जीत रही है, वो इस फैक्टर के, ये फैक्टर एक मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन और रिलीफ होता है जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर जाता है, इन्फ्लुएंस कर जाता है। लेकिन उसके बावजूद शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया, और उनका पीछे चलना बहुत हतप्रभ करता है, बहुत चौंकाता है कि वो शिक्षा मंत्री हैं स्कूलों की। जैसा कि हमने पढ़ के सुनाया आपको कि दर्शक तारीफ कर रहे हैं, स्कूलों का असर है, सराह रहे, लेकिन वो दिल्ली में पीछे होना उनका चौंकाता है। दिल्ली में देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका इंडिविजुअल, यहाँ पे दो फैक्टर काम करते हैं। कोई जीतता है तो या तो पार्टी की ओवरऑल एक्टिविटी, इफर्ट और इमेज के कारण जीतता है, और कोई अगर हारता है या जीतता है तो अपने इंडिविजुअल इमेज के कारण। अब ये चीज अगर मान लीजिए ये मनीष सिसोदिया जी पीछे हार गए, तो ये दो फैक्टर होंगे कि इनके राइवल ने वहां पे क्या किया, बीजेपी ने ऐसा क्या इफर्ट डाल दिया, और इनकी निगेटिविटी क्या रही वहां पे। तो ये चीज ये इन लोगों को देखना चाहिए, स्टडी करने का विषय है कि अगर ऐसा है तो कैसे, डिस्कशन का विषय है कि ऐसा क्यों हो गया। या वहां लोकल वोटर से आप पूछेंगे तो लोकल वोटर बहुत अच्छे तरीके से बता देगा कि मनीष सिसोदिया जी को वोट क्यों नहीं दिया आपने, नंबर दो के नेता है, काम भी बहुत। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा काम कर, मैं आपको बता रहा हूं भारतीय मतदाता ना, इसकी मनोस्थिति को समझना, इसकी साइकोलॉजी को समझना इंडियन वोटर्स की, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क। रीजन ये है कि बड़े बड़े नेता भी जिन्होंने बहुत काम किया वो चुनाव हार जाते हैं। आप पास्ट में आप देख लीजिए, बहुत कद्दावर नेता चुनाव हार गए, बहुत कद्दावर पार्टियां हार गई अपना बेस्ट इफर्ट डालने के बाद भी। अब वोटर्स, इतने फैक्टर्स होते हैं वोटर्स की लाइकिंग को डेवलप करने के लिए, वोटर्स किसको लाइक करेगा, किसको वोट देगा, किससे इन्फ्लुएंस होगा, ये बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। अब ये चीज एक जब इतना क्लियर कट जो है एक परसेप्शन बना रहता है तो वो गली और चौराहों में भी फ्रॉम डे वन आप देखोगे लोग बोलते हैं अरे ये जीत जाएगा। जब कंपटीशन बहुत नेक टू नेक हो जाता है ना, और जो माहौल है पॉलिटिकल माहौल वो बड़ा डाइजी सा बना रहता है, हॉच पॉच, जहां पे वोटर भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे रिजल्ट्स वहां पे आते हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट या पार्टी या नेताओं को मैनेज करने के लिए, कि जब सिचुएशन लगातार डाइजी बना रहे और उसके पीछे रीजन है, यानी कि आप वोटर्स का पोलराइजेशन नहीं कर पाए, ना आम आदमी पार्टी कर पाई, ना बड़े नेता, ना बीजेपी, दोनों लोगों के ही इफर्ट्स जो है वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, तभी क्लियर कट मैंडेट नहीं आ रहा है, आगे पीछे ये चल रहा है, या बहुत थिन मार्जिन से जब हार और जीत होती है तो आप ये समझ लीजिए किसी भी पार्टी का एजेंडा वन साइडेड हो करके इफेक्टिव नहीं रहा। तो कहां से कमी आती है, ये चीजें हैं जो कि पिछले 5 सालों में हुई है, और मुझे लगता है यही एक रीजन है जो अभी बोल रहे थे कि 2-3 साल के बाद अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल जी एकदम चुप हो गए, किसी टॉपिक पे बोल नहीं रहे थे, शायद ये उनको समझ में आ गया, और अच्छा हुआ वो चुप हो गए और उनको समझ में आ गया, तभी ये मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी लगातार सड़क पे निकल के, मुख्यमंत्री का ऑफिस छोड़ करके सड़क पे निकल के धरना देते रहते ना, तो एकदम से ही साफ हो जाते। स्ट्रैटेजी बहुत बदली है केजरीवाल ने, बहुत अपने विरोध प्रदर्शन के तरीकों को बदल डाला है, विरोध के तरीके को बदल डाला है। अब ये विरोध करना ही भूल जाएंगे। देखिए केजरीवाल जी ने इस कैंपेन में देखिए विरोध नहीं किया, हाँ क्रिटिसाइज नहीं किया, अटैक नहीं किया, नो नेगेटिव कैंपेनिंग नहीं है, कोई नेगेटिव, इन्होंने केवल ऑफर्स दिए हैं लोगों को, या बताया है कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, या
या पास्ट में वो चीजें, देखिए मैं तो ये बोलूंगा कि अगर ये चुनाव केजरीवाल जी की पार्टी जीतती है तो 5 रुपए बस में फ्री का जो है टिकट देकर के जीत गए, मैं यही बोल रहा हूं। ये इस चीज का मेरे लॉजिक का ये प्रमाण है कि 5 रुपए फ्री में पूरे कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिक्स को चेंज कर देती है। कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन पॉलिटिक्स का डायनामिक्स ही अलग होता है जो बीजेपी नहीं समझ पाई, अगर बीजेपी हारती है तो। यहाँ फाइनेंशियल प्रेशर बहुत होता है, ये छोटे छोटे जो इंसेंटिव्स होते हैं इमीडिएट इफेक्ट और इंपैक्ट डालते हैं, मेट्रोपॉलिटन के जो लोग रहने वाले हैं सिटीजंस उनके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अगर आपको आप पूछिए सुभाष चोपड़ा ने हार की जिम्मेदारी ली है, मायने नहीं है। देखिए हार की जिम्मेदारी ये एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं, वो पहले भी जानते थे, कांग्रेस के लोग भी जानते थे। अब क्या इसको आप हार बोलेंगे? इसको सुपड़ा साफ होना बोलते हैं, इसको हार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्तित्व खत्म हो जाना। अगर ऐसे ही हर जगह ऑल ओवर इंडिया में इसी को रिप्लीकेट कर दीजिए तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। पीएम मोदी की वो बात सही हो जाएगी, कांग्रेस मुक्त भारत वाली स्थिति, सबसे कम दिल्ली कांग्रेस मुक्त दिखाई दे रही है। आप इस चीज को हार जो है मत बोलिए, ये होता है अस्तित्व खत्म होना। तो उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई कांग्रेस का अस्तित्व जो दिल्ली में खत्म हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हार नहीं। आप एक भी सीट जीते होते या 10-20 सीट जीते होते तो हम मानते कि भाई आप हारे या जीते, तो आप इस चीज की जिम्मेदारी लीजिए ना कि अब भाई जो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये चीज है, इसको रिफाइन करना चाहिए उनके स्टेटमेंट को हम लोगों को। जिन लड़ाई नहीं, देखिए अगर आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं ठीक है, आपकी रणनीति रही होगी बीजेपी को रोकना ताकि वो, अब अगर यही कांग्रेस अगर ठीक तरीके से लड़ जाती तो हो सकता है सिचुएशन टोटली बदल जाती। बीजेपी ने ये सोचा भी था कि कांग्रेस जितना अच्छा तरीके से लड़ेगी उतना फायदा हमको मिलेगा, लेकिन कांग्रेस नहीं लड़ी ये। अब ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ये बुद्धिमानी है जिसके कारण। चलिए आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए बुनियादी सुविधाओं नहीं, देखिए सड़क की बात यहाँ पे नहीं हुई है, बुनियादी डिस्काउंट की बात करी है, बुनियादी सुविधा नहीं, बुनियादी डिस्काउंट पे ये चुनाव जीता जा रहा है। अब एक 5 रुपए का बस का टिकट है, और ये फैक्ट है क्योंकि बस में मैं भी ट्रेवल करते हुए मैं उसके इम्पैक्ट को देखता था। तो बुनियादी सुविधाओं पे नहीं, बुनियादी डिस्काउंट पे। बुनियादी डिस्काउंट क्या है? बिजली, पानी, मकान, इस पे आपको डिस्काउंट मिल गया ठीक है। वाईफाई इन्होंने लगवाने के लिए बोला था, कहाँ लगा आप ये देखिए। बहुत सारे काम इन्होंने बुनियादी सुविधाओं का जो था वो डिलीवर नहीं किया। दो महीने पहले जो बुनियादी डिस्काउंट वाला कैंपेन चला वो यहाँ पे असर कर गया। और एक चीज और है, देखिए इस चुनाव से मैं आपको और बोलूं, केजरीवाल जी क्यों नहीं बोल रहे हैं जैसे हनुमान जी वगैरह की बात हुई। एक चीज सारे नेताओं को, सारी पार्टियों को समझ में आ गया कि केवल एक ही, खास करके हिंदू धर्म को ही हमेशा प्रताड़ित करना या उनके अगेंस्ट बोलना, इसीलिए चुप रहे। ये समझ में आ गया है कि बोल देने से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अब लोगों को ये समझ में आ रहा है, इसीलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि वो खुलकर, जिस हिसाब से पहले ये करके कुछ भी बोल देते थे, आप देखिए पहले नेताओं के ऐसे ऐसे हिंदू धर्म या हिंदू मतावलंबियों के खिलाफ जो उनके आरोप या बातें होती थी उसमें बड़ी गिरावट आई हुई है। आप देखिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, अगर और केजरीवाल की भी हिम्मत नहीं पड़ी है कि ये एक बार, हालांकि बीजेपी तो चाहती, फायदा तो बीजेपी को होगा कि ऐसा करें, वो नहीं किया क्योंकि उनको भी ये कुछ चीजें केजरीवाल जी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, इसीलिए वो एकदम शांत रहे, संतुलित रहे, बहुत उस तरीके से एब्रप्ट तरीके से उन्होंने अटैक नहीं किया। जो भी उनकी टीम ने जो भी डिसाइड किया था, सर्वे वो लोग भी करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। मैं बोलता हूँ क्यों बोला जाए, किसी के भी खिलाफ क्यों ऐसे अपमानजनक तरीके से बोला जाए। आप ये देखिए अभी एक पार्टी के बहुत बड़े नेता ने जो है बोला था, प्रधान, मतलब क्या वो भाषा होती है, क्या इस तरीके की उपमा और तुलना दी जानी चाहिए किसी के लिए? नहीं देना चाहिए। तो शुचिता और शुद्धता तो हमेशा ही, आप देश को लीड कर रहे हैं, आप एक चेहरा हैं, आप एक नेता हैं, आपके बिहेवियर को देख के 50 लोग फॉलो करेंगे, तो हर आपके आचरण में, आपके भाषा में, शब्दों का जो चयन होता है, जो उदाहरण देते हैं, जो सिमली या आप अनोमोटोपोइया वगैरह ये सब चीजें प्रतीकात्मक तौर पे जो आप को रिलेट करना चाहते हैं, इस वक्त